हेलो दोस्तों, मैं मनप्रीत सिंह। अज अपने को आए हैं नोवा के इंजैक्टर। नोवा नू प्रॉब्लम सी, थोड़ी सी पिकअप घट है तो थोड़ी सी गेयर लीवर हंटिंग कर रहा है। तो आप अजू वाश करांगे, किस तरह वाश करांगे चेक करने तो बाद आप प्रॉपर ये वीडियो बना के दूँ दसेंगे। दोस्तों आप इन मशीन के उत्ते इंजैक्टर लाया, तो जिमें आए आप इस तरह चैक कर पहला यदि ओपनिंग देखेंगे भी कदों हो रहा, उस तो बाद आप ओपनिंग वाश करके सैट करा। फिर आप प्रेशर हौली हौली घटावे तो तुम देखोगे तो 200 आर प्रेशर से जाके थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर लगे। तो जो आप वाश करेंगे उस तो बाद भी आप देखेंगे वे जी देख सकते हो 300 प्रेशर आई मेरी टेस्टिंग हुई है इसकी रीडिंग और वापसी लगभग बराबर की है। पर जो तो वाश करेंगे तो रीडिंग बच जाएगी। नट को पंच करके टाइट कर देंगे, खोलने में आसान होगा। 14 नंबर सॉकेट, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें कार्बन ऐसे आती है और स्पेंडल और नोजल जाम हो गए, उसको वाश ही करना आता है। और इसमें कुछ पार्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है जब तक गाड़ी की स्टार्टिंग सही है। दोस्तों इसमें पिन और इसमें पिन है और वाशर, ये निकल गई हैंडलिंग स्प्रिंग, ये वाशर है LL की वाशल, ये स्पेंडल, ये डस्ट भरी हुई है और जो इसकी नोजल है वो निकल गई। ये गाड़ी 3-3.5 लाख के लिए चली हुई है और पहली बार इंजेक्टर खुले हैं। इसको वाश करेंगे अच्छी तरह, कैसे करेंगे वो दिखाते हैं। नोज़ल है, ज़्यादातर इसकी नोज़ल ही ख़राब होती है, थोड़ी वापसी बराबर है पर चल जाएगी गाड़ी। इसमें फिल्टर होता है, इसको क्या करना है, जो राड है आपने इसको ऐसे करना है, साफ़ करके इसको अच्छे से तेल डाल के और इसकी टेस्टिंग करके फिर W40 है, इसको ऐसे जो देखो इसमें क्या निकल रहा है, और इसको रमा होना चाहिए नोजल को। मैं दिखा, अगर आपको फोटी नहीं है जो जोर कैर या कोई पेट्रोल है उससे कर सकते हैं, आप टेस्टर पे भी कर सकते हैं। दिखाते हैं हम आपको, करके ये देखा फिल्टर
जो पंप है आराम से भर रहा है, कोई लॉक फिल्टर चोक तो नहीं है। और इस फिल्टर को ऐसे साफ करने के लिए आप कोई भी नोजल लो, टेस्टर पे बांधो और इसके इसका जो होल है डीजल वाला होल उसमें भी यही लगाना है। देख सकते हैं आप नोजल कोई भी, ये इसकी स्पैंडल है, इसको साफ करो। जो भी कार्बन है इसके ऐसे निकल जाएगी। इसको ऐसे रखो, ये नोवा का इंजेक्टर है, इसमें पार्ट्स जलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको ऐसे ही साफ कर रहे हैं, जो गाड़ी इसकी पिकअप में दिक्कत हो, चलने बंद हो जाती हो, और कई बार गाड़ी क्या होता है एक्सीलेटर लेने पे गाड़ी मिसिंग करती है, और इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है, आपका इंजेक्टर जो पिन है ये टाइट हो जाती है, जो फिल्टर थोड़ा सा जाम होता है, और नोज़ल की जो कंडीशन है वो जाम होती है। इसको इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने कंट्रोल वाल्व चेंज नहीं करना तो। भाई वो ऐसे कर सकते हैं, तो मैंने काम स्टार्ट किया था तो मैंने पहले नोवा से स्टार्ट किया था, उस टाइम नॉलेज नहीं थी और बाहर भी किसी को मालूम नहीं। तो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का ही कौन का बटन दबाएं और आल पे क्लिक करें, जो नई नई वीडियो जो भी सभी आपको मिले। चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, बताएं इसमें आपको कैसे लगी। ये तो हो गया, अब इसकी निडल है, इसको और ये देखो को टाइट नहीं होनी चाहिए। यही वाशिंग है इसकी इंजेक्टर की, और आपकी गाड़ी एकदम बढ़िया हो जाएगी, लीवर हिलने जाएगा, मिसिंग की प्रॉब्लम, पिकअप की प्रॉब्लम सभी ठीक हो जाएगी। क्या पूरा है ना।